जी, तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर को यहां पे कहीं बीच में टच करूंगा तो बीच में टच करने से क्या होगा बताइए। हाँ एक ऐसा पॉइंट मुझे मिलेगा, उस पॉइंट की स्पेशलिटी क्या होगी बच्चों? पहली बात, उस पॉइंट पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्यों सीधा हो जाएगा बताइए? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है मुझे। सर, उस पॉइंट पे जब हमने जॉकी को टच किया है, मान लो ये पॉइंट, उस पॉइंट पे जब मैंने जॉकी को टच करा है तो जितना ए और जे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जो किसने क्रिएट करा है ऊपर वाली बैटरी ने, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? एग्जैक्टली किसके बराबर है? ईएमएफ ऑफ द सेल सॉरी, के। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हम पूरे वायर पे जॉकी को अलग अलग जगह टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे। टच करते 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 हम कैसा पॉइंट ढूंढेंगे बच्चों? एक ऐसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे। और अगर उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दी तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल के ईएमएफ के बराबर है। मुझे सेल का ईएमएफ नहीं पता, लेकिन मैं किसी इनडायरेक्ट मेथड से उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं जो मेरी बैटरी ने क्रिएट किया है। गॉट माय पॉइंट? और वही मेरे सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अभी तक मैंने जो आप लोगों को सारी बातें समझाई हैं वो कुछ वैल्यूज लेके समझाई हैं। अब मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यूज से बिल्कुल अलग हटके बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे नहीं पता क्या वैल्यूज है, मैं वैल्यूज की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि जब हम ए से लेके जे तक मूव करेंगे तो बच्चों ए से लेके जे तक मूव करने में क्या होगा बताइए? मैंने सारी वैल्यूज को रिमूव कर दिया। देखो, अब मैंने कोई भी यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यू नहीं ले रखी। अब बस मुझे एक बात पता है, क्या पता है मुझे? जब मैं ए से लेके बी तक जाऊंगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो बैटरी क्रिएट कर रही है वो बढ़ रहा है। इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो नीचे बैटरी जुड़ी हुई है उसमें भी एक सेल है, जो नीचे सर्किट जुड़ा हुआ है उसमें भी एक सेल है, वो सेल भी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। अगर मैं जॉकी को लेफ्ट मोस्ट पार्ट में टच करूं वायर के तो क्या होगा? ए और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारी सेल के ईएमएफ से बोलो क्या सर कम होगा। कम होगा? और जब मैं जॉकी को राइट मोस्ट पार्ट में टच करूंगा तो क्या होगा बच्चों बताओ? सर ज्यादा होगा। जो ए और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारी सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच में मुझे एक नल पॉइंट, ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे अगर मैं जॉकी को टच करूं तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। उस पॉइंट पे ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा बच्चों? हमारी सेल ईएमएफ के। मैं तीनों बातों को बहुत अच्छे से लिखता हूं, बताइए। पहली बात क्या? व्हेन जॉकी इज टच्ड, कहां पे टच करना है बच्चों जॉकी को? व्हेन जॉकी इज टच नियर पॉइंट ए ऑफ द वायर, जल्दी बताओ क्या होगा? जल्दी 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 बताइए। व्हेन जॉकी इज टच नियर पॉइंट ए ऑफ द वायर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एजे क्रिएटेड बाई बैटरी विल बी, बोलो जल्दी क्या विल बी? लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल एंड हेंस, और इसकी वजह से बच्चों क्या होगा? गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन शोइंग, गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन शोइंग करंट ड्यू टू सेल इज डोमिनेटिंग। इस केस में बच्चों किसका करंट डोमिनेट कर रहा है, किसका करंट ज्यादा है बताओ? नीचे वाली सेल का। इतनी बात समझ में आई सबको? जब हम गैल्वेनोमीटर को अपने हाथ में, सॉरी, जब हम पोटेंशियोमीटर को अपने हाथ में लेंगे, जॉकी को सबसे पहले ए पॉइंट के पास टच करेंगे, ए पॉइंट के पास टच करते ही क्या देखेंगे? गैल्वेनोमीटर एक साइड में डिफ्लेक्शन देगा। ये हमें क्या बताएगा कि ए और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने क्रिएट किया वो कम है किससे? सेल के ईएमएफ से। अब क्या करेंगे बताइए? अब
व्हेन जॉकी इज टच्ड, अब कहां टच करेंगे जॉकी को बताओ, व्हेन जॉकी इज टच्ड नियर पॉइंट कहां, बी ऑफ द वायर, अब बताओ क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए जे, ए और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो किसने क्रिएट किया बच्चों, क्रिएटेड बाय बैटरी, अब बताओ वो कम होगा या ज्यादा होगा, बोलिए, अरे वो बढ़ रहा है ना, तो जब ए पॉइंट के पास टेस्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कम था, सेल का ईएमएफ ज्यादा था, जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा था वो सेल के करंट के हिसाब से कर रहा था, अब जब मैं बी पॉइंट के पास टच करूंगा तो इसका उल्टा होगा, ए और जे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो किसने क्रिएट किया है बताओ, बैटरी ने, वो किससे ज्यादा हो जाएगा, बोलिए, विल बी ग्रेटर देन किससे, विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल, और हेंस गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा और हमें क्या दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा और हमें क्या दिखाएगा बताओ, शोइंग किसका करंट डोमिनेट कर रहा है, किसका करंट डोमिनेट करता हुआ दिखेगा, शोइंग करंट ड्यू टू बैटरी, ऊपर वाली बैटरी इज डोमिनेटिंग, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, जब आप लोग लैब में भी एक्सपेरिमेंट करोगे यही काम करोगे, जैसे ही पोटेंशियोमीटर आपके हाथ में आएगा, सर्किट तैयार करोगे, सेल जोड़ोगे, बैटरी जोड़ोगे, सब कुछ जोड़ के सबसे पहले ए पॉइंट के पास टच करोगे और देखोगे क्या अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है, दे रहा है, फिर दूसरे पॉइंट पे टच करोगे अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर बिल्कुल, मतलब पोटेंशियोमीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों, बिटवीन दीज टू पॉइंट देयर विल बी अ पॉइंट, कैसा पॉइंट होगा, एट विच गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, एट विच गैल्वेनोमीटर गिव्स, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, नल पॉइंट। अब नल पॉइंट की खास बात बताओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या स्पेशलिटी है, सर इस पॉइंट पे ये स्पेशलिटी है कि ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी ने क्रिएट किया है वो किसको इक्वलाइज कर गया, वो किसके इक्वल है, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द सेल के, बिटवीन दीज टू पॉइंट देयर विल बी अ पॉइंट एंड द गैल्वेनोमीटर गो नो डिफरेंस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, इन दिस कंडीशन, बताइए बच्चों, सारे बच्चे बोलो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल, अब जरा मेरी बात समझो, मुझे सेल का ईएमएफ पता ही नहीं है कितना है, मुझे सेल का ईएमएफ पता ही नहीं है कितना है, हाँ लेकिन मुझे अगर मैंने नल पॉइंट ढूंढ लिया तो मैं किसी तरीके से ए और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं जो ऊपर वाली बैटरी ने क्रिएट किया है, बताइए बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है सर, मुझे गैल्वेनोमीटर का सॉरी अपने पोटेंशियोमीटर का के पता होना चाहिए, इफ के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर के हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ओके तो बताओ जरा अगर के हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो अगर ये वाला जो नल पॉइंट है ये मेरा एल लेंथ पे मुझे मिला, ये यहां से लेके यहां तक की जो हमारी लेंथ है वो एल है, बताइए ना, अब बताइए जरा आप लोग, तो ए और जे के बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूं, वी ए जे, अरे सिंपल सी बात है सर, के का मतलब वन यूनिट आगे मूव करने पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, तो अगर एल लेंथ पे निकालना है तो मुझे सिंपल सा के को एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात, क्या हो रहा है इसमें,
फंक्शन कैन ओनली बी यूज आफ्टर डीएक्टिवेशन. चलो करते हैं इसको भी. हाँ जी, कितने बच्चों को ये केएल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अरे सिंपल सी बात है, वही बात. अगर ए से लेके बी तक 50 वोल्ट है 10 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना होगा 5, 2 मीटर में 10, 3 मीटर में 15. तो अगर एल मीटर है तो वो कैसे निकाला 5? 50 को 10 से डिवाइड कर लिया था वो 5 आ गया था. अब इस 5 को जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 मीटर का, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 मीटर का, एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल मीटर का. तो अगर k मेरे पास आ गया तो k मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब अगर 1 यूनिट लेंथ आगे बढ़ता हूं, 1 मीटर आगे बढ़ता हूं तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आता है? 2 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 2k, 3 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 3k, तो l आगे बढ़े तो l कितना आएगा बताइए? l की. बस यही फॉर्मूला है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का. और जब मेरा VAJ आ गया नल पॉइंट पे तो यही मेरा क्या बन जाएगा? EMF ऑफ द सेल दैट इज VAJ इक्वल टू KL. अच्छा अब जरा ओरिजिनल बात को एक बार रिलेट करने की कोशिश करो. ओरिजिनल बात को रिलेट करने का मतलब, ओरिजिनल बात को रिलेट करने का मतलब ये है कि मैंने कहा था जिस टाइम हम पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे ईएमएफ मेजर करने के लिए, सेल कोई भी करंट नहीं देगी. बताओ जब हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गए नहीं हो गए? ए और जे पॉइंट के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना बैटरी का ईएमएफ है उतना ही ऊपर वाली सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है. तो अब मेरा ऊपर वाली और नीचे वाली सेल का करंट बिल्कुल बराबर हो गया, नलीफाई कर गया. अब सेल कोई भी करंट नहीं दे रही, सेल कोई भी करंट भी नहीं दे रही और ईएमएफ भी मेजर हो पा रहा है. इस टाइम पे जब सेल कोई करंट नहीं दे पा रही, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर होगा. बताइए जी कितने बच्चों को ये समझ में आ गया पोटेंशियोमीटर? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आई विल रिपीट अगेन, बट एटलीस्ट आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या समझ में नहीं आया और क्या क्या समझ में आ गया. बोलो जरा, अगर आप चुप रहोगे तो फिर मैं यही एज्यूम करूं क्या सबको समझ में आ गया? क्योंकि आई हैव गिवन माय 100%, आई एम श्योर, बट इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि हर बच्चे को एक बार में आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. बताइए जी सबको आ गया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं कुछ भी कोई भी? कट से एक बार हर्षित गुप्ता, ठीक है. और बाकी कोई सर ये भी बता दे सर, गैल्वेनोमीटर मीटर का सर डायरेक्शन समझ में नहीं आया सर. कौन पूछ रहा है? सर मैं विशाल. विशाल डायरेक्शन तो बेटा उसमें दो ही डायरेक्शन होती है, ये नल पॉइंट एक ये सेंटर होता है, अगर राइट में करंट जा रहा है तो ऐसे, लेफ्ट में करंट जा रहा है तो ऐसे. अब समझ गया सर किस सेल की वजह से हो रहा है सर ये? जब हमने लेफ्ट मोस्ट पे टच किया हुआ है तो कौन डोमिनेट कर रहा है? सेल. जब हमने ए पॉइंट पे टच किया हुआ है इसको जॉकी को, तो कौन डोमिनेट कर रहा है? किसका ईएमएफ डोमिनेट कर रहा है? किसका पोटेंशियल डिफरेंस डोमिनेट कर रहा है, सेल का या ऊपर वाली बैटरी का? बता बेटा. सर ऊपर वाला. अरे यार क्या बात कर रहा है, तेरे सामने लिखा हुआ है चीज, अभी तो समझाई है. जब लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे टच करेंगे तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगी बैटरी, क्योंकि कम लेंथ है, नीचे वाली सेल का ईएमएफ उस केस में ज्यादा होगा. गॉट माय पॉइंट? तो क्या मैं बोल सकता हूं सर ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, नीचे वाली सेल की वजह से करंट डोमिनेट करेगा, मतलब ये डायरेक्शन होगी, नीचे वाली सेल डिसाइड करेगी करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो कराना है. बोल बेटा. और जब वहां टच करेंगे तो, वहां टच करेंगे तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगी, उसका करंट डोमिनेट करेगा, तो फिर करंट ऐसे आ रहा होगा उल्टा, तो फिर इधर डिफ्लेक्शन होगा. और समझ गया? हाँ जी सर. हर्षित गुप्ता पर्टिकुलर चीज में डाउट है या फिर दोबारा पूरा मतलब एक जस्ट रिवीजन चाहता है? सर रिवीजन ये तो क्योंकि फिर से बताओगे नहीं, नहीं कोई डाउट है पूछ ले, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. पोटेंशियोमीटर हम लोगों ने स्टार्ट किया था. पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कि सेल का ईएमएफ मेजर करता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही का कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे पहले एक डिवाइस हुआ करता था वोल्टमीटर, जिसको हम यूज कर सकते थे लेकिन वो सही मेजर नहीं करता.
वोल्ट मीटर सही मेजर क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वोल्ट मीटर से हम ईएमएफ नापते हैं तो वोल्ट मीटर सेल से करंट लेता है, और जब सेल करंट देती है तो कभी भी सही पोटेंशियल डिफरेंस, सही ईएमएफ मेजर नहीं होगा, रादर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें एक ऐसा डिवाइस क्रिएट करना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे उस टाइम पे जब सेल किसी भी तरीके का करंट नहीं दे रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर? बिकॉज वोल्टमीटर डज नॉट मेजर ईएमएफ, रादर इट मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से नापते हैं वो मैंने बता दिया, फिर मैंने समझाया था कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर का ये प्रिंसिपल होता है, जब हम एक वायर के अक्रॉस भागते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जब हम एक वायर के अक्रॉस उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ेगी तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, और एक क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को वायर की टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें तो एक के आ जाता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्या दिखाता है बच्चों? कि वन यूनिट आगे बढ़ने पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। तो टू यूनिट आगे बढ़ने पे 2k आएगा, 3 यूनिट आगे बढ़ने पे 3k आएगा। अब ये हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर, आपके सामने बना हुआ है। कैसे काम करता है? नल पॉइंट पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? नल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? नल डिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि हमें इस वायर को, जिस वायर के अंदर सेल लगी हुई है उससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और एक जॉकी जुड़ी हुई है, उस वायर को गैल्वेनोमीटर सॉरी पोटेंशियोमीटर के अलग अलग पॉइंट पर टच करना होता है, और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन ना मिले। लेकिन ऐसा पॉइंट ढूंढने से पहले एक बार जॉकी को ए पॉइंट के पास टच करेंगे, एक बार जॉकी को बी पॉइंट के पास टच करेंगे। जब एक बार ए पॉइंट के पास टच करेंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा एक डायरेक्शन में, और जब बी पॉइंट के पास टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमें क्या दिखा रहा है? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमें क्या दिखा रही है? कि एक बार तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का डोमिनेट कर रहा है, एक बार सेल का डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी लेंथ कम होगी ए से लेके जे तक उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा बैटरी का। अगर मैंने लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड पे टच किया हुआ है तो लेफ्ट साइड पे क्या 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 बात है कि ऊपर वाली बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में वो हमारी सेल के ईएमएफ से कम है, तो हमारी सेल का ईएमएफ ज्यादा है तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन देगा वो हमारी सेल के करंट के हिसाब से देगा। और जब राइट में टच करेंगे तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने क्रिएट किया है वो हमारी सेल के ईएमएफ से ज्यादा है, तो अब जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा वो ऊपर वाली बैटरी के हिसाब से देगा। इन दोनों के बीच में जब मैं जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे ऐसे 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 रख के देखूंगा तो मुझे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे जॉकी को पुट करने पे, वायर के उस पॉइंट को जॉकी पे पुट करने पे गैल्वेनोमीटर की निडल बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इस तरीके से निडल हो जाने का मतलब अब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने क्रिएट करा है, जो कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, वो किसके बराबर हो गया? हमारी सेल के ईएमएफ के, क्योंकि ऊपर से और नीचे से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। और इस कंडीशन में अगर मैं ऊपर से करंट निकाल लूंगा तो मेरा काम हो गया, मतलब ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा तो वही मेरे सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो अगर मैं बस अब मैं अपनी रीडिंग देखूंगा, मैं स्केल को देखूंगा, स्केल को देखा मैंने, एल लेंथ पे मिल गया, गैल्वेनोमीटर का के मुझे बता दिया जाएगा कि जी ये पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर जब हमारे हाथ में दिया जाएगा तो हमें बताया जाएगा कि इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू इतनी है, इसका जो के है वो इतना है। उस के को जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी लेंथ पे नल पॉइंट मिलेगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दो पॉइंट के बीच का, और वही मेरे सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। और इस टाइम पे मेरी सेल कोई भी करंट नहीं दे रही है, वो ओपन सर्किट में है, क्योंकि वो इक्वल हो गया, ऊपर वाली पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। अभी बताओ जी, समझ में आ गया सबको? शगुन? यस सर। लक्षिता? यस सर। श्रेया? यस सर। सर एक चीज पूछती थी कि सर जो एल
सर जो एल होगा वो टोटल लेंथ लेंगे या फिर सर जितने पे वो पॉइंट आ रहा है वही लेंगे? टोटल लेंथ क्यों लेंगे बेटा श्रेया? अगर टोटल लेंथ लेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करके तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही आ जाएगा ना। अगर मान लो 5 उसका वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट और 10 मीटर ले लिया तो 50 आ गया, तो हर सेल का एमएफओ थोड़ी होगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे 2 मीटर पे मिल गया नल पॉइंट, अगर मुझे नल पॉइंट 2 मीटर पे मिल गया, हैंग क्यों कर रहा है समझ नहीं आ रहा, तो 2 मीटर पे मिल गया तो इसका मतलब मेरी सेल का एमएफ 10 वोल्ट है, 3 मीटर पे मिल गया तो मेरी सेल का एमएफ 15 वोल्ट है, 4 मीटर पे मिल गया तो इसका मतलब मेरी सेल का एमएफ 20 वोल्ट है। गॉट इट? यस सर। जिस लेंथ पे टच करेंगे वहां पे इसकी वैल्यू को देखेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू को देख के हम डिसाइड कर लेंगे के से मल्टीप्लाई करके कि मेरा पोटेंशियल कितना है, सॉरी ईएमएफ कितना है। पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है बार बार। चलिए अब जरा देखो क्वेश्चन कर लें एक दो। एक बात बताओ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे बताइए? अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो थोड़ा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ। बहुत बढ़िया, बस यही मुझे सुनना भी था। देखो जी पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड 20 ओम रेजिस्टेंस। एक वायर है देखो ये रहा, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 10 मीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। इज यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, इसको पोटेंशियोमीटर में यूज किया। इफ वायर इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ, कितनी बैटरी से कनेक्ट किया बच्चों? कितनी बैटरी से कनेक्ट किया बताइए? 5 वोल्ट की, along with an external resistance of 480 ohm, और यहाँ पे 480 ohm का resistance लगा दिया। समझ में आ गई बात? चलिए अब मुझे बताइए इसका K कितना होगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अभी आगे का क्वेश्चन भूल जाओ, इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोलो। नहीं बता पाओगे, ऐसे समझ लो कि एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक 480 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस 5 वोल्ट में से कुछ इसे मिलेगा और कुछ इसे मिलेगा? अच्छा एक बार बताओ, अगर ये 480 ओम का रेजिस्टेंस ना होता तो क्या सारा का सारा पोटेंशियल इसी को मिलता नीचे वाले को? अरे हाँ या ना? यस सर। 5 का 5 इसे मिल जाता, लेकिन क्या अब 5 का 5 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है अब कितना मिलेगा? हाँ जी कैसे? अरे 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया ये, कैसे पता लगाओगे V1 कितना होगा और V2 कितना होगा? बोलिए प्लीज बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का? बहुत गलत बात है, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैच में हैं और आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैं सच बता रहा हूँ, यही बिहेवियर रहा तो ये आदत आपकी इंटरेक्ट करने की कम होती रहेगी, अल्टीमेटली आप अपने 50 से 60 नंबर एग्जाम में कम कर लेंगे सारे सब्जेक्ट में मिला के। अगर आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप और टीचर से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे और आप लोग ये हैबिट रिड्यूस होती रहेगी। चाहे आसान है चाहे हार्ड है, मैंने क्वेश्चन पूछा हर बच्चा बोले, दिस इज द वे। अगर हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हम लोग बात कर पा रहे हैं तो सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर चुप बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे हो कोई फायदा नहीं है इसका। 500 ओम। अगर टोटल रेजिस्टेंस 500 ओम हो गया तो टोटल सर्किट का करंट कितना हो गया बच्चों? V/R, दैट इज
100 5 अपॉन 500 दैट इज 1 अपॉन 100 दैट इज 0.01। अरे समझ रहे हो? अब अगर 0.01 करंट आ गया तो बताओ इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालोगे? 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? बहुत आसान है भैया। सर करंट हो गया 0.01 और इनटू 20 कितना आएगा बच्चों? ये कितना आएगा बताओ? 0.2 वोल्ट। मतलब 5 में से 0.2 वोल्ट तो इसको मिल गया और 480 वाले को कितना मिलेगा? 4.8। समझ में आ रही है बात? 5 वोल्ट में से नीचे वाले को कितना मिला बताओ? 0.2 और ऊपर वाले को कितना मिला? 4.8। क्लियर है? लेकिन अगर ये 480 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ ही ना होता तो क्या होता? तो नीचे के वाले को 5 मिल जाता। अब मुझे बताओ अगर ये वायर ए बी है तो इस ए से लेके बी तक कितना कितना पोटेंशियल है? अरे यही तो क्वेश्चन है, दोनों बराबर ही तो है। हमने 20 ओम के वायर को छोटा कर लिया, हमें रेजिस्टेंस बता दिया गया था, हमने उसको रेजिस्टेंस मान लिया। अगर ए से लेके बी तक 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0.2। और ए से लेके बी तक वायर की लेंथ कितनी है बच्चों? 10 मीटर। 10 मीटर। तो जल्दी देखिए के कितना आ गया बच्चों इसका? वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या सबको समझ में आई बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि एक सेल लगी हुई है यहां पे ऐसे, कितने पे बैलेंस हो गई है? कितनी लेंथ पे बैलेंस हो गई है? 6 मीटर। इफ एन अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 6 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, अगर यहां से लेके यहां तक 6 मीटर है तो बताओ सेल का ईएमएफ कितना होगा? सर जी हमें ना पोटेंशियोमीटर का के पता लग गया, और के पता लगते ही हमारा काम आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? कि अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो वो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो बैटरी क्रिएट करती है। अगर 6 मीटर पे वो हो गया तो ई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों के इंटू एल। के कितना है? 0.02। और कितने कितनी लेंथ पे नल पॉइंट मिल गया? 6 मीटर पे। 6 मीटर। तो कितना आंसर आ गया मेरा? 0.12 आएगा, 1.2 आएगा। 0.12 वोल्ट, ये वो है जो मेरी सेल लगाएगी ये नीचे। समझ में आया पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट? ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट नहीं आपको पूरा पूरा लेंथ दे देगा, एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा भी लगा हुआ। आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वायर के पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, फिर उसकी लेंथ से डिवाइड करना है। लेंथ से डिवाइड करके क्या मिलेगा बच्चों? लेंथ से डिवाइड करके क्या मिलेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अब अगर मैंने कोई सेल लगाई है इसका ही मुझे मेजर करना है तो उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे मिल जाएगा। हर्षिता आपको समझ में आ गया? यस सर। नैना त्यागी आपको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। गुड। लक्षिता? यस सर। यस सर ऐसी बोल देती है, समझ में भी आ रहा है कुछ? आ रहे इसे करके बताओ जरा क्या होगा जल्दी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है।
बस है, इसमें सर्किट वर्किट कुछ नहीं रखा, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया। बताइए वही करेंगे बिल्कुल। पोटेंशियोमीटर का वायर 1 मीटर का है, ए से लेके अभी तक 1 मीटर है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन साथ में क्या लगा दिया? एक रेजिस्टेंस 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। एक नीचे ईएमएफ जोड़ दिया जो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया। तो बताइए सेल का ईएमएफ कितना होगा, कैसे निकलेगा बताओ बच्चों। अगर ये हमारा 40 सेंटीमीटर है और ये हमारा ईएमएफ ई है, तो पहले तो हमें ईएमएफ निकालने के लिए के इंटू एल करना है। एल की वैल्यू है मेरे पास 40 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? के नहीं है। के कैसे निकलेगा बच्चों? वी ए बी अपॉन आर से। अब बताइए वी ए बी कैसे निकालेंगे? वी ए बी अपॉन एल से। अब बताइए वी ए बी कैसे निकालेंगे? वही बात कि सर जी इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और एक 5 ओम का लगा हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15 ओम। करंट कितना हो जाएगा? 6/15, डेट इज 2/5, डेट इज 0.1। यस और नो? सॉरी 0.4। ठीक है भाई, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा ना 0.4, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 ही आएगा ना। और इसके बाद अगर हमें वी ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर ए बी, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। तो करंट कितना है बच्चों ए बी वायर में? 0.4। और रेजिस्टेंस कितना है? बोलो बोलो बोलो। 10 ओम। तो वी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वोल्ट। 6 में से 4 इसे मिल गया, 2 इसे मिल गया। हाँ ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसी रेशियो में है ना, 2:1 में। तो 6 में से ऐसा बटेगा और पोटेंशियल कि 10 वाले को 2 गुना मिलेगा, 5 वाले को आधा मिलेगा। तो 4 इसे मिल जाएगा, 2 ऊपर वाले को मिल जाएगा। ठीक है, अब 4 वोल्ट आ गया तो ये आ जाएगा 4/1, इट इज 4 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गई बात? तो अब बताइए ईएमएफ कैसे निकाल पाएंगे? जो सेल मैंने जोड़ रखी है सर्किट में उसका ईएमएफ कैसे निकाल पाएंगे? तो के इनटू एल। लेकिन के इनटू एल करने के लिए यहां पे थोड़ी समस्या आएगी। क्या? सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा के है वो वोल्ट पर मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो बैलेंसिंग लेंथ जो मेरी 40 सेंटीमीटर है, बैलेंसिंग लेंथ इसको मैं बोल सकता हूँ 0.4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 0.4, 4/1 × 0.4, दैट इज 2 एप्लीकेशन भी पढ़नी थी पोटेंशियोमीटर की जो आज नहीं हो पाई, अब कल की क्लास में होगी। ठीक है, लेकिन प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, कल तक प्लीज आप लोग पोटेंशियोमीटर का थ्योरी एक बार खुद भी पढ़ लेना अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे। एक किताब से, 2 किताब से, 3 किताब से, यूट्यूब से, जहां से भी पढ़ना चाहो। ऑल्दो मैंने इतने अच्छे से क्लियर कर दिया कि शायद दिक्कत ना हो, फिर भी लगे कि समझ में नहीं आया, तो जिस जहां से रिसोर्सेज आप पढ़ना चाहते हो प्लीज पढ़ लेना, लेकिन कल तक पोटेंशियोमीटर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं कल क्लास। थैंक यू।